हेलो फ्रेंड्स, जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ऑलरेडी चल रहा है हमारा, उसी के अंदर हम तीन मेथड्स पढ़ चुके हैं। एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना बाय सब्स्टिट्यूटिंग, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और बाय एलिमिनेशन मेथड। लेकिन अभी क्या है, उस समय में क्या होता था, इक्वेशन समय इस फॉर्म में पहले मिल जाती थी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में a1x + b1y + c1 = 0 और a2x प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। यहाँ केस ऐसा है कि यहाँ आपको इस फॉर्म में डायरेक्टली नहीं मिलेंगे। देखिए सामने देख रहे हैं, मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है, तो आपको नहीं मिलेंगी, तो आपको इस फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा। मतलब इन इक्वेशंस को आपको रिड्यूस करना पड़ेगा लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में, टू वेरिएबल के फॉर्म में, और फिर उसके बाद आप उन मेथड्स को किसी को यूज करके सोल्व करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। हमारा टॉपिक है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो ठीक है, करते हैं इसको। सामने क्वेश्चन है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सामने 5 1 upon x minus 1 plus 1 upon y minus 2 equal to 2। सेकंड क्वेश्चन है 6 upon x minus 1 minus 3 upon y minus 2 equal to 1। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कीजिए, 5 को साइड में लीजिए इनटू 1 upon x minus 1, क्लियर, प्लस y के ऊपर न्यूमरेटर में 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वल टू 2। सेकंड क्वेश्चन में आइए, 6 को साइड में लीजिए, 1 अपॉन x माइनस 1, ये टोटल लगाने का मतलब मल्टीप्लिकेशन है फ्रेंड्स, ठीक है, मल्टीप्लाई में है, माइनस 3 इनटू 1 अपॉन x y माइनस 2 इक्वल टू 1, ठीक है, हो गया कंप्लीट यहां तक। अब हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे, एज्यूम करेंगे, लेट पुट इसके प्लेस पर, इसके 1 अपॉन x माइनस 1 के प्लेस पे हम पुट करने वाले हैं x माइनस 1 इज इक्वल टू p, और 1 अपॉन y माइनस 2 के प्लेस पे हम पुट करने वाले हैं q, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। तो चलिए पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 5 यहां पर आ गया p प्लस q इक्वल टू 2, सेकंड 6 1 अपॉन x p माइनस 3 q इक्वल टू 1। यहां तक क्लियर, अब आगे हम कोई भी एक मेथड यूज करके इसको कंप्लीट सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम कौन सा यूज करें, चलिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन आपका मेथड यूज करने जा रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है कि आपके जो ये कॉन्स्टेंट्स हैं c1 c2 का काम कर रहे हैं, ये दोनों हमेशा इस तरफ रहेंगे, ठीक है, तो इस तरफ आप लेकर आइए, तो कैसे होगा देखिए आप, 5p + q - 2 = 0 और सेकंड वाले में 6p माइनस 3 क्यू और इस तरफ लेके आइए तो माइनस 1 इक्वल टू 0, ये दोनों इक्वेशन बन गए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से यूज करते हैं, सबसे पहले p q 1, ठीक है, अब p की वैल्यूज रखिए सारी, p की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो p को आप फाइंड कर लीजिए, ठीक है, तो क्या बच रहा है, q और ये कॉन्स्टेंट, तो q के आगे कुछ भी नहीं होता है तो 1 होता है, ठीक है, कोएफिशिएंट। चलिए हमने p को जब हाइड किया तो क्या बचा हमारे, यहां सामने देखिए p को हाइड किया तो 1, q का कोएफिशिएंट 1, इधर -3 -2 -1, तो यहां पे लिख देते हैं 1 -3 -2 -1 -2 -1, क्लियर फ्रेंड्स। अब q की वैल्यू चाहिए तो q को हाइड किया तो सामने इधर क्या दिखा, -2 -1 -2 -1, अब आगे फर्स्ट में आ जाइए तो 5 6 5 6 कंप्लीट। अब कॉन्स्टेंट के लिए चले तो ये इसको हाइड करेंगे, स्टार्टिंग के दोनों आ जाएंगे तो 5 6 1 -3 5 6 1 -3, क्लियर। यहां बहुत केयरफुली काम करना है यहां तक, ठीक है, आगे आपको बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इस मेथड का नाम ही इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रखा गया है, क्रॉस में मल्टीप्लाई, ठीक है। चलो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, हम 1 into -1 1 1 into -1, माइनस फॉर्मूले का ब्रैकेट ले लो, -3 into -2 -3 into -2 इक्वल टू क्यू अपॉन -2 into 6 -2 into 6, मैं सारे स्टेप्स शो कर रहा हूं जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आए, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं मैं, माइनस वापिस -1 into 5 इक्वल टू, इट इज 1 के लिए 5 into -3 5 into -3 माइनस फॉर्मूले का 6 into 1
यहां माइनस नहीं था इसलिए मैंने ब्रैकेट में ही लिया, पी अपॉन माइनस, सॉरी इधर आगे प्लस है, माइनस प्लस माइनस माइनस वन इंटू वन वन माइनस, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, थ्री इंटू टू सिक्स, क्यू के पास आइए, माइनस प्लस माइनस, सिक्स का कुछ नहीं है तो प्लस, टू इंटू सिक्स ट्वेल्व माइनस, फॉर्मूले का माइनस इसके आगे प्लस माइनस, वन इंटू फाइव फाइव इक्वल टू वन अपॉन, प्लस इंटू माइनस माइनस, फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन, माइनस सिक्स इंटू वन सिक्स, ओके आगे बढ़िए, पी अपॉन माइनस वन माइनस प्लस माइनस सिक्स इक्वल टू क्यू अपॉन माइनस ट्वेल्व माइनस माइनस प्लस फाइव इक्वल टू वन अपॉन, दोनों माइनस के एड हो जाएंगे तो माइनस ट्वेंटी वन, इसमें चलिए आप इनको एड कीजिए तो माइनस सेवन क्यू, इसमें डिफरेंस निकलेगा एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस ट्वेल्व और प्लस फाइव तो आएगा साइन माइनस का, ट्वेल्व में से फाइव प्लस कीजिए तो सेवन, इधर वन अपॉन माइनस ट्वेंटी वन। अब दोस्तों यहां देखने वाली बात है, हमेशा ध्यान रखिएगा वन के यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में भी वन होना चाहिए, प्लस वन पॉजिटिव वन, अगर वन नहीं है तो हमें वन बनाना पड़ेगा लाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे जो वैल्यू यहाँ पर है उससे हम ओवर डिवाइड कर देंगे, माइनस ट्वेंटी वन है तो माइनस ट्वेंटी वन से इसको डिवाइड कर, पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा सबको, यहाँ पर माइनस ट्वेंटी वन और यहाँ पर भी माइनस ट्वेंटी डिवाइड किया हमने, आगे क्या हो गया माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस सेवन हंड्रेड सेवन सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन इधर प्लस सेवन हंड्रेड सेवन सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन, तो क्या आया देखिए पी अपॉन यहाँ आया आपका वन अपॉन थ्री इज इक्वल टू क्यू अपॉन वन अपॉन थ्री और वन अपॉन वन, यहाँ क्या गया वन अपॉन वन। अब इसके आगे हम चलते हैं तो आगे मैं यहाँ इरेज कर देता हूँ, देखिए फ्रेंड्स तो p की वैल्यू हमारी क्या आ गई, p आ गया हमारा 1 अपॉन 3 और q हमारा आएगा ये भी 1 अपॉन 3 है, क्लियर। अब हमने p को क्या अज्यूम किया था 1 अपॉन x माइनस 1 p अज्यूम किया था, तो इसकी वैल्यू वापस पुट करते हैं 1 अपॉन जहां p है वहां पे लिखेंगे 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 3 q के प्लेस पे 1 अपॉन y माइनस 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। रेसिप्रोकल कीजिए, रेसिप्रोकल मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बनाइए, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन 1 और 3 अपॉन 1 हो जाएगा, ब्लड गया मतलब रेसिप्रोकल हो गया, इसको भी कीजिए तो y माइनस 2 अपॉन ये नीचे आ गया और 3 अपॉन 1, दोनों के नीचे 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो x माइनस 1 इक्वल टू 3 और इधर y माइनस 2 इक्वल टू 3। अब आगे देखिए x 1 को उधर ट्रांसफर कीजिए तो क्या हो जाएगा 3 माइनस का उस तरफ जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, और इधर भी 2 को उस तरफ अगर ट्रांसफर करें तो माइनस 2 है तो प्लस 2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4 y इज इक्वल टू 5, तो आपकी ये दोनों वैल्यूज x और y की वैल्यू आ गई। तो फ्रेंड्स इस तरीके से अगर हमें कोई क्वेश्चन मिल जाए कि आपका क्या बोलते हैं इक्वेशन डायरेक्टली नहीं दे रखा है आपको रिड्यूस करना पड़े, तो इस तरीके से हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, तो इस तरह के और क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए, तो कहीं कुछ प्रॉब्लम है ठीक है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे क्या आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आपको इससे काफी फायदा होगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें जिससे उनको भी मालूम पड़े कि हाँ कुछ अच्छी चीजें हमें मिल रही है तो उनको भी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।